हरे कृष्ण। इस प्रकार हम काल विचार किया कि भक्ति करना चाहिए, धर्म पालन करना चाहिए, तब हम वास्तविक क्या आनंद प्राप्त कर सकते, संतुष्ट। और हमारे जो शत्रु हैं अलग प्रकार के, उसको हमें हटाना है, मारना है, निकालना है, त्याग करना है। कौन सा शत्रु? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद। तो अभी हमने क्या किया वास्तव में, जब हम जप किया, वास्तव में यही दवाई है। और अगर दवाई बोल सकते हैं, ये अस्त्र बोल सकते हैं शत्रुओं को मारने के लिए, ये दवाई, ये बीमारी जो है हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये ठीक करने के लिए ये दवाई। तो आपका अनुभूति हुआ कि जब हम जप किया, सब बोलते अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में जो भी दिक्कत है, जो भी बीमारी है, जो भी टेंशन है, वो साफ हो रहा है, सफाई हो रहा है। इसीलिए पहला पहला फल है जब हम हरे कृष्ण जप कर रहे हैं। चेतो धार परमार्जनम, हमारा चेतन जो है, तो आप बोलते दिल, हृदय, जिसमें मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, वो सफाई हो रहा है, सफाई हो रहा है। जैसे आप अपना घर सफाई करते हर दिन, झाड़ू लगाते कम से कम सुबह शाम, मन आएगा तो बार बार सफाई करना पड़ेगा। अगर सफाई नहीं किया तो कचरा और अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं। तो इसीलिए बार बार साफ करना पड़ेगा। तो इस प्रकार अच्छा नहीं लगता है अगर हमारा दिल गंदा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब कैसे अच्छा लगेगा, सुख शांति कैसे हो सकते था नहीं। इसीलिए महामंत्र हरे कृष्ण मंत्र को बारंबार जप करना चाहिए। विशेष माला, जब हम माला में जप करते हैं माला के साथ, वो माला हमें सहायक कर रहे हैं कि हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे। क्योंकि हम भगवान का नाम कहीं भी और कभी भी ले सकते, ये भी वर्णन है, गीता पिता नियमिता स्मरण ना काला, कलयुग में कोई नियम नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए कोई देश, काल और पात्र नहीं है, इसका विचार नहीं आता। मतलब कोई भी पूजा आप करेंगे, कौन सा पूजा आप करते हैं, गृह प्रवेश और क्या ऐसे अलग अलग प्रकार के भूमि पूजा करते हैं, ये उसके लिए विशेष तिथि देखना है, उसी तिथि पर करना होगा। मतलब काल, मुहूर्त, काल जिसको बोलते हैं, और देश, देश भी देखना है, कहीं भी नहीं कर सकते। मतलब पूजा अगर गंदा है, ऐसे जगह में पूजा नहीं कर सकते, अशुद्ध जगह। तो इसको बोलते देश, काल और पात्र, पात्र मतलब व्यक्ति, व्यक्ति भी थोड़ा योग्य होना चाहिए, कौन पूजा करेंगे, कौन पूजा नहीं करेंगे। जैसे मान्यता पूजा करते हैं ब्राह्मण, जो ब्राह्मण दीक्षित है वो पाने वाले लोग ब्राह्मण को बुलाते पूजा करने के लिए, बोलते पात्र। तो देश काल पात्र का विचार आता है, अगर नहीं होगा तो अपराध होगा, तो पूजा का कोई फल नहीं होगा। परंतु हरे कृष्ण महामंत्र में कोई देश काल पात्र नहीं, मतलब कहीं भी मान लीजिए कि आप चलते रास्ते में या आप लैट्रिन जाते हैं, नाम तो ले सकते, नाम को याद कर सकते, काला समय कभी भी और कोई भी कार्य कि आप हो सकते, आप हो सकते शूद्र हो, म्लेच्छ हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, जो स्त्री पुरुष, आप बूढ़े हो, आप युवा, या हो सकते कि आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको कुछ पता नहीं, आप अपना नाम भी नहीं लिख सकते,
लेकिन अगर आप बोल सकते हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, तब आप योग्य हैं इसको जप करने के। क्योंकि कल युग में कल हम चर्चा किया लोग ये सारे नियम बहुत सारे नियम पालन नहीं कर सकते, कौन करेगा, कठिन है। तो इसीलिए भगवान ने कलयुग में चूज दिया है कि आप सबसे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते और आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, विशेष शुरुआत है। लेकिन निस्संदेह जब हम बात जब करते करते ये जो तामगुण राजगुण इससे धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। तामगुण का आहार शुरुआत में कोई विचार नहीं है, ठीक है, जो भी आप खाते आप गुण का खाते आप क्या खाते कुछ भी खाते, यहाँ लोग गाय नहीं मारते, विदेश में लोग वो गाय को भी खाते, तो तब तो बहुत बड़े पाप करते लोग, शराब पीते गुटखा खाते सिगरेट लेते शराब ऐसे ही सब चल रहा है ना, राशन प्याज खाते जो भी कुछ बताना पड़ेगा नहीं कि हम याद करेंगे जो भी कुछ। लेकिन हरे कृष्णा जब शुरू करना है कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत बाद में धीरे धीरे अगर आप अच्छे से जप कर रहे ध्यान पूर्वक भगवान से प्रार्थना कर रहे तो ये जो भगवान के पवित्र नाम है हमारा दिल को साफ कर रहे, तो आपने आप जो भी लालच है खाने का पीने का जो भी कुछ जो गलत है तामोगुण का वो सब छूट जाएगा आपने आप। दोबारा याद रखिए कि सारे जो इच्छा है जो आसक्तियां है खाने के लिए पाप करने के लिए ये सब चेतना के अंदर में है, गंदा है, तो वो इच्छा है करने के लिए, तो हम जानते भी कि गलत है, सबको पता है कि हम गलती कर रहे हैं, ये नहीं खाना चाहिए पीना नहीं चाहिए, लेकिन रोक नहीं सकते क्योंकि अंदर से वेग आता है। तो इसको साफ करने के लिए भगवान के जो पवित्र नाम है हम जप कर रहे हैं, तो आपने आप बाद में ऐसा लग रहा है कि नहीं हम नहीं खाएंगे अच्छा नहीं लग रहा है नहीं कर रहे, तो ये बड़ा साइंस है भगवान की शक्ति है, भगवान के नाम में सारी शक्ति उपस्थित है। नाम नाम अकारि बहुदानि च सर्वशक्ति, भगवान के असंख्य पवित्र नाम है जैसे गोविंद राम कृष्णा और कितना सारे श्याम सुंदर माधव राधा माधव ये सब भगवान के कितने सारे नाम है, और निज सर्वशक्ति सारे नामों के अंदर में भगवान के पास जितना भी शक्ति है सब उसी नाम के अंदर में ही है। भगवान के पास कितना शक्ति है आप नाम कर सकते हैं, कितना शक्ति है, देखिए सूर्य कितना पावरफुल है, देखिए वायु कितना शक्तिशाली है, तूफान आएगा ये सब उठ जाएगा नहीं, आग कितना पावरफुल है सब अगर जल जाएगा के अभी उनका झोपड़ी है तो सब भस्म हो जाएगा, कितना शक्ति। तो ये केवल देवी देवों को कह सकते हैं जो भगवान के अंश है, परंतु भगवान जो इस प्रकार के जो ब्रह्मांड है असंख्य ब्रह्मांडों का स्रोत है, और ये भौतिक जगत जो है 33 करोड़ देवी देवों का एक ब्रह्मांड है, 33 करोड़ देवों को है, और सूर्य चंद्र अग्नि वायु इंद्र सब इतना शक्तिशाली, लेकिन इस मानन है कि इस प्रकार असंख्य ब्रह्मांड है जो भगवान महाविष्णु के शरीर से प्रकाश हो जाते हैं, कितना शक्ति है भगवान के पास, कितना शक्ति है कोई नाप नहीं कर सकते, इसे उनका नाम है आनंद, कोई सीमा नहीं है भगवान शक्ति में सुंदरता में कोई भी चीज नहीं। तो सारे शक्तियां जो है भगवान के कहाँ है, कहाँ आप लोग नहीं सुनते, भगवान के सही नहीं प्रभास आपको पता है, तो सारे नाम सारे शक्तियां जितना भी है भगवान के पास उन्हीं के नाम के अंदर, तो आप सोचिए ये मंत्र कितना शक्तिशाली है, कितना शक्तिशाली है। इस संसार में आजकल ऐसे बनाते
अस्त्र बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब ऐसे बॉम्ब है, आप जानते हैं बॉम्ब क्या है, वो फेंकते हैं और भस्म हो जाता है। छोटा बॉम्ब फेंकेंगे तो आपका घर भस्म हो जाएगा, एटॉमिक बॉम्ब फेंकेंगे तो पूरा देश चल जाएगा, सब चल जाएगा पूरा। लेकिन इस बॉम्ब से अगर आप ना इतना हजारों करोड़ लोगों को मारेंगे फिर भी वो लोग क्या करेंगे, शरीर तो भस्म हो जाएगा लेकिन आत्मा नहीं, और वो लोग दोबारा जन्म लेंगे दूसरी जगह में, लेकिन अंदर दिल में जो काम क्रोध लोभ मोह और ईर्ष्या था वो रहेगा, वो लोग दोबारा दूसरे शरीर में वही पाप करेंगे ये पुण्य जो अभी किए। तो इस इतना बड़ा बॉम्ब से आप केवल शरीर को नाश कर सकते हैं, परंतु ये जो काम वासना है क्रोध है लोभ है वो नहीं कर सकते। परंतु भगवान का नाम इतना पवित्र है, इतना पावरफुल है कि वो अपने दिल को साफ करेगा, कोई अस्त्र ऐसा नहीं कर सकते। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या ये सब भगवान का नाम साफ कर सकते हैं, कोई दूसरा अस्त्र कोई दूसरा शोक अगर आप बोलते ऋण दिल को साफ नहीं करेगा पानी भी नहीं, परंतु भगवान के पवित्र नाम। इसीलिए ये हमेशा नियमित तरीके से जप करना चाहिए, विशेष कालयुग में। कालयुग इतना काले दोष हो निधि राजा, कालयुग पाप का सागर है, अगर हम भगवान का नाम जप नहीं करेंगे जरूर हम कुछ ना कुछ पाप करेंगे, क्योंकि माहौल ऐसा है मोह माया में के वजह से हम पाप में लग जाएंगे, क्योंकि असत्संग है। देखिए समाज में ऐसे चल रहा है सब कुछ कि जो पाप है वो नॉर्मल है, वो उसको पाप भी नहीं मानते कई बार, और जानते भी कि पाप है तो सब लोग करते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे, क्या दिक्कत है, क्योंकि संगति नहीं है और इच्छा बहुत ज्यादा है, काम करो लोग मोह बहुत बढ़ गए कलयुग में। तो इसीलिए अगर हम हरे कृष्णा भगवान के पवित्र नाम जप नहीं करेंगे तो जरूर हम कुछ पाप करेंगे और जरूर बाद में उसको भोगना पड़ेगा पाप दुख, ये हम नहीं चाहते। तो इस प्रकार हमें ग्रहण करना जो अनुकूल है भक्ति करने के लिए, तो भक्ति के लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है भगवान बताते कि भक्ति मतलब सबसे पहले शरणागत होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए भगवान की सेवा में। सर्वधर्म परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समर्पित होना भगवान की सेवा में। तो अभी अगर हम बोलते हैं समर्पित हो जाओ भगवान की सेवा में, तो ये सब समर्पण ये शरणागति लोग अपने हिसाब से सोचेंगे कि क्या मुझे संन्यास लेना पड़ेगा, तो हम सब लोग कैसे संन्यास ले पाएंगे, कुछ लोग हैं जो संन्यास ले सकते हैं लेकिन सब लोग नहीं कर सकते, आप संन्यास ले सकते हैं तो क्या करेंगे। एक्चुअली समझना चाहिए कि जो समर्पण और शरणागति है वो उसका अर्थ क्या है, शास्त्र में वर्णन की शरणागति का अर्थ क्या है। अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो भोक्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कर्पण्ये सद्विधा शरणागति। ये याद रखना है कि शरणागति के छह भाग है, तो उसमें से सबसे पहले जो अनुकूल है भक्ति के लिए वो स्वीकार करना, अनुकूल्यस्य संकल्प। प्रतिकूल से वर्जनम का अर्थ है कि जो भी भक्ति में विघ्न आ रहे और भक्ति में रुकावट कर रहे उसको त्याग करना चाहिए, वर्जित करना चाहिए। रक्षिष्यति इति विश्वासो संपूर्ण विश्वास कि भगवान मुझे रक्षा करेंगे, उन्हीं की मर्जी होगा, जो भी अच्छा और बुरा होगा मेरे साथ भगवान वास्तव में अंतिम में मेरी रक्षा करेंगे। वरणम तथा इसका अर्थ है कि भगवान मेरा पालक है, मैं अपनी शक्ति से मेरा काम नहीं चल रहा है, भगवान वही है जो सारे व्यवस्था कर रहे हैं हमारे जीवन के लिए, ये विश्वास होना चाहिए। उसके बाद आत्मनिक्षेप,
अपने को भगवान के चरणों पर समर्पित करना। मानस देह हो गए हो, मन शरीर परिवार घर जो भी है संपत्ति सब भगवान की सेवा में समर्पित करना। और कर्पणीय, कर्पणीय मतलब विनम्र भाव कि मैं तुच्छ आत्मा हूं, मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं है, मैं वो माया में फंस गया। विनम्र भाव, अभी मुझे सीखना है, मुझे सेवा करना है। तो ये छह चीजें पहले हम देखेंगे। अनुकूल्य से संकल्प ये सबसे पहले करना है, इसीलिए जो अनुकूल है भक्ति के लिए स्वीकार करना। इसलिए पहले हम सबको बोलते क्या, हरे कृष्ण चैप्टर पहले स्वीकार कीजिए जो अनुकूल है। और उससे पहले वास्तव में क्या करना होगा, जो वास्तव में भगवान की आयु की कृपा से मिलता है सत्संग, जिसमें ज्ञान प्राप्त करेंगे कि भगवान का नाम जाप करना चाहिए। तो सत्संग जो है वो हमेशा अनुकूल है और इतना जरूरी है हमारे लिए कि कभी भी कहीं भी अगर वास्तविक तो सही तरीका जो सत्संग चल रहा है तो वहां पर सारे काम छोड़ के भागना पड़ेगा, सारे काम छोड़ के सत्संग में जाना चाहिए। क्योंकि केवल उसी सब उसी जगह पर हम ज्ञान मिल सकते हैं और मार्गदर्शन मिल सकते हैं कैसे भागना करें। तो कुछ सत्संग क्या है दोबारा समझना चाहिए कि सत्संग नहीं है कि केवल जहां पर लोग मिलते हैं और भगवान से क्या बोलते हैं प्रार्थना करते हैं लाभ के लिए, जहां निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा हो रहे हैं और कीर्तन हो रहे हैं तो वहां सत्संग होगा। कल चर्चा हुआ जो भौतिक लाभ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो ये अंतवाद क्यों फलाम देशम, ये क्षणिक चीज है। तो सनातन और क्या बोलते हैं सात नहीं हो सकते, सात मतलब नित्य वही सत्संग। अगर हम भौतिक चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं वो सात नहीं हो सकते, वो असात है। असात मतलब क्षणिक, सत्संग बहुत जरूरी है। तब हम सीख जाएंगे कि हरे कृष्ण जप करना है, तब हम सीख जाएंगे कि भगवान की पूजा करना, भगवान कौन इसके बारे में हम सीख जाएंगे, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। और तब हम जो अच्छा है भक्ति के लिए हम सीखेंगे। पहले हम माला शुरू करेंगे, हम दिव्य ग्रंथ जैसे भगवत गीता रामायण और ऐसे भागवतम ऐसे पुस्तक अध्याय शुरू करेंगे अपने घर पे। सीख जाएंगे कैसे पूजा करना, क्या भगवान को क्या अर्पण करना, भगवान को कैसे भोग लगाना सीख जाएंगे कि भगवान को भोग लगा के भोजन करना चाहिए उसके बिना नहीं। तो इस प्रकार जो अनुकूल है करना है। और बात है दूसरा कदम जो है जो प्रतिकूल है भक्ति के लिए वो त्याग करना, वो तो आपने आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और धीरे धीरे भगवान के नाम जाप करने से अपने आप छूटेगा। मैं जो तामसी आहार है, नासा है, ये सब धीरे धीरे छूट जाएगा और पता भी होगा सत्संग में कि यह चाहिए है, ये छोड़ना पड़ेगा, इससे हम केवल दुखी है। तो वास्तव में क्या छोड़ना पड़ेगा, पहले हम बात किया जो सत्संग है वो स्वीकार करना है और असत्संग क्या करना है, ये संक्षेप में है। तो इसमें बहुत सारे चीज आते हैं। मैं हम असत्संग क्या है, कई बार हमारे मित्र है, कोई फ्रेंड है जो हमारे बहुत अच्छे मित्र है लेकिन वो उनका आचरण गलत है, वो गलत कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं, वो पीते खाते हैं सब कुछ और हमको भी बताते आप ही करो, क्योंकि हम मित्र है तो हम मान लेते हैं, थोड़ा ले लेंगे कुछ पियेंगे कुछ कुछ करेंगे ऐसा जो नहीं करना चाहिए। तो मित्रता के वजह से हम कर लेते, तो वास्तव में वो हमारे मित्र नहीं है, वो हमारे शत्रु है। तो ऐसे लोगों का संगति त्याग करना चाहिए और वास्तव में ऐसे लोगों का संगति अपने आप छूटेगा जब वो लोग देखेंगे कि ये माना कर रहे हैं, तो हम उनके पास जाएंगे, वो बोलेंगे चाय पियो, बोलेंगे खाओ कुछ मांस खाओ मेरे साथ, हम तो ये सब नहीं खाते, हम नहीं पीते।
हम देखे हम माला करेंगे, भगवान के बारे में बात करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। अगर वो वास्तव में गंभीर है वो भी आएंगे साथ संग में, वो भी चोरेंगे, नहीं तो वो चोरेंगे, आपकी संगति छूट जाएगा। एक व्यक्ति ने कहा विदेश में, जब मैं हरे कृष्ण जप शुरू किया, सारे नियम पालन शुरू किया, तो मेरा सारे मित्र अच्छा लगा, मैं सारे मित्रों का लॉस हुआ, तो वो कैसे होगा, भक्ति कैसे है, मेरे सब मित्र चले गए। तो एक बात ने कहा चिंता मत करो, वो आपके मित्र नहीं थे, आप देखेंगे कि आप बहुत सारे मित्र वास्तविक मित्रों को प्राप्त करेंगे। तो वास्तव में उन्हें बाद में भक्तों का संग, जो भक्त है भगवान के भक्त, वो सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि आपको हमेशा अच्छा मार्गदर्शन बताएंगे क्या करना क्या नहीं करना, हमेशा भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, जो सारे जीवों का परम मित्र है, सुहृदाम सर्वभूतानां, भगवान परम मित्र है हमारे, लेकिन हम नहीं जानते, हम भूल गए। तो बाप जो है हमको बार बार याद दिलाता कि देखो भगवान है, आप उन्हीं की सेवा कीजिए, उनका नाम जप कीजिए। मोह माया के वजह से हम भूल जाते हैं, लेकिन बात बताएंगे नहीं करना है, जप करो, पूजा में आओ, श्रवण करो, भगवान को भोग लगाओ, जो भी कुछ प्रचार करो भगवान का जो नाम है, सबको सिखाओ इसके बारे में। तो इस प्रकार जो बात है वो हमारे असली मित्र है, जो भगवान के बात है। इसलिए कल हमने बताया कि शिव जी ने भी प्रार्थना किया भगवान विष्णु से कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा आपके भक्तों की संगति में रहूंगा। ये शिव जी जो महान गुरु है, उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना किया। तो इसीलिए मानना चाहिए और समझना चाहिए कि ऐसे लोग जो पाप में लग जाते हैं, ठीक है, अगर हम उनको मदद कर सकते सुधारने के लिए तब ठीक है, लेकिन वो अगर तैयार नहीं है तब ऐसे लोगों का संगति कोई लाभ नहीं है, केवल नुकसान। तो इस प्रकार ये जो अनुकूल है वो अपने आप हो जाएगा अगर हम भक्तों के संग में मेरा रहेंगे, और जो गलत हम कर रहे हैं वो छूटेगा, जो गलत हम कर रहे हैं वो भी छूट जाएगा, जो करना है तो भक्तों के संगति से सीख जाएंगे, और जो छोड़ना है वो भी भक्तों के संग में सीख जाएंगे, और आपने आप जाएगा, रुचि भी नहीं होगा। और क्या है जो भक्ति के लिए बहुत अनुकूल चीज है, क्या है, उत्साह निश्चय आचार्य तत्त कर्म प्रवर्तन संग त्याग सतो वृते शादी भक्ति प्रसिद्धि। उत्साह, भक्ति में उत्साह होना चाहिए कि अभी पूजा होगा हम जाएंगे, अभी कथा होगा हम जाएंगे, समय से पहुंचेंगे, और कीर्तन होगा तो उसमें हम जोर से गाएंगे, जोर से मतलब दिल से हम तैयार है सेवा करने के लिए, कुछ सेवा चल रहा है भगवान की, बात कुछ सेवा करते तो हम आएंगे, हम पूछेंगे हम कुछ सेवा कर सकते हैं भगवान के लिए, आप मुझे कुछ सेवा दीजिए, तो उत्साह होना चाहिए करने के लिए, माला करने के लिए उत्साह होना चाहिए। हाँ हम करेंगे, हम संकल्प लिया कि मैं हर दिन एक माला दो माला जितना भी हम कर रहे हैं, 10 माला या 16 माला, हाँ अभी हम करेंगे नियमित तरीके से, हम करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, कठिन भी होगा फिर भी हम करेंगे। वे उत्साह मतलब कि व्यक्ति हर दिन नियमित तरीके से भगवान का नाम जप कर रहे हैं, और जब कठिन भी आता है, मन नहीं लग रहे, बीमार हो गए, फिर भी प्रयास कर रहे करने के लिए, इसको बोलते हैं उत्साह। हर एक परिस्थिति में जब भगवान का भगवान की बात कर रहे हैं, तो एक ऊंचा हाँ बहुत जरूरी है बात करने के, लेकिन साथ साथ निश्चय मतलब दृढ़ता होना चाहिए उसके लिए, जब कठिनाई आएगा तब भी उत्साह बनाए रखना चाहिए, क्योंकि निस्संदेह माया आकर्षण करेंगे, हम भक्ति शुरू किया माया तो आकर्षण करेंगे, माया ऐसे बताएंगे मन के माध्यम से या दूसरे आदमी के माध्यम से, भक्ति मत करो, आप मत करो, कल करेंगे, आज अभी अच्छा नहीं लग रहा है, आज नहीं करेंगे, मान के हमें दूसरे लोग बोलेंगे, रिश्तेदार या गांव के लोग बोलेंगे, तुम लोग अभी क्या पंडित बन गए, साधु बन गए क्या, तुम्हारा उम्र नहीं है भक्ति करने के लिए, बूढ़े हो जाएंगे तब ऐसे बोलेंगे, तब हम क्या करेंगे, तब हम मानेंगे नहीं,
हमें करना है तो क्या है, अगर हम दृढ़ता नहीं है भक्ति में तब हम मानेंगे, लोग बोलते हाँ नहीं करना, कहाँ है प्रभा चले गए, उन्होंने इतना माला कर रहे इतना, तो पीते जी मना किया दर 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 दर। तो अगर ऐसे ऐसे ये तो पिता, ऐसे व्यक्ति को पिता नहीं मान सकते जो भगवान की भक्ति मना कर रहे। ये तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मना किया, तो प्रहलाद ने क्या किया, आइए बैठिए हाँ चाय हमें बैठे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मना किया भक्ति करने के लिए, तो प्रहलाद ने क्या किया, उन्हें क्या बोला, हाँ ठीक है पिताजी आप छोड़ेंगे भक्ति नहीं करूंगा, हाँ ऐसा किया नहीं। छोटा बालक उन्होंने भक्ति बिल्कुल किया, और प्रहलाद को ज्यादा पता हुआ कि मैं अगर भक्ति के बारे में कुछ बताऊंगा पिताजी को तो नाराज हो जाएंगे, फिर भी उन्होंने बताया। फिर भी जब हिरण्यकशिपु ने पूछा आप में अब क्या सीख गए स्कूल में गुरुकुल में क्या शिक्षा प्राप्त किया, तो उन्होंने हमेशा बताया कि भक्ति करना चाहिए, हाँ कि सब कुछ छोड़ना और भक्ति करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शन सत्यम आत्मनिवेदनम यही परम शिक्षा है। ये प्रहलाद महाराज ने सीधा हिरण्यकशिपु को बताया सामने ही, और उनको पता हुआ कि ये नाराज हो जाएंगे कुछ भी करेंगे, फिर भी उनको डर नहीं था, नहीं मुझे भक्ति करना है और भगवान की मर्जी है, अगर उनकी इच्छा है तो मुझे रक्षा करेंगे, नहीं तो मर जाऊंगा लेकिन भक्ति करूंगा। तो ऐसे दृढ़ता होना चाहिए, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे ज्यादा क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी है, तो ऐसे दृढ़ता होना चाहिए, नहीं तो ये वास्तव में समझना चाहिए, हो सकता रिश्तेदार हो गांव का आदमी हो मान हो जो भी है, जहां से भी समाचार आते कि भक्ति मत करो, समझिए कि ये मोह माया का प्रभाव है, माया अभी आकर्षण कर रहे, इसे हमें बोला है नहीं अभी मैं भक्ति करूंगा। तो भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान दृढ़ता देंगे, कि भगवान खुद ही देंगे जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, और जब माया का आकर्षण आएंगे कि हम उसको पहचान कर पाएंगे, ये मोह माया की आकर्षण है उसमें नहीं जाना है। मोह माया किस प्रकार की है, उदाहरण के लिए जैसे लोग लोग मछली पकड़ते हैं तो अलग अलग तरीका है, गंगा में हम देखते हैं वो जाले फेंक देते हैं, और एक और तरीका है बंसी के माध्यम से, बंसी आप देखते हैं तो उसमें एक कैचुआ रखते ऊपर और फेंक देते अंदर, वो राशि है पतला तो फेंक देते अंदर, तो मछली देख रहे हैं कि उसमें उनकी जो कैचुआ है उनके लिए खाना है, हाँ अभी भोजन मिल गया तो वो खा लेते, लेकिन एक बार पकड़ लिया तो वो वंशी खींचेगा और वो फंस जाएंगे और खत्म होकर जीवन कर देते, ठीक है। तो मोह माया ऐसा है, वो हमें आकर्षण कर रहे हैं और बोले ये करो भक्ति मत करो ये करना वो करना, हरे कृष्ण देखिए कैच हो कथा नहीं सुना ये देख लिया बाद में देखिए ध्यान से सुनिए, तो मोह माया आकर्षण कर रहे हैं, अगर हम उसको पकड़ लिया तो माया पकड़ेंगे, माया खींचेंगे और बस हम फंस गए, कैचवा मतलब मनुष्य ने पकड़ लिया। तो इस प्रकार ये पहचान करने के लिए हमें बार बार भक्तों का संग करना चाहिए, और शास्त्रों का अध्ययन भी करना है, और श्रवण करने के लिए प्रयास करना साथ संग में, तो तब हमेशा ये फ्रेश होगा मतलब तजा रहेगा हमारा जो दिव्य ज्ञान है, और मोह माया के आकर्षण कोई भी रुकावट आएगा भक्ति में तो उसको हम पार कर पाएंगे, नहीं तो धीरे धीरे फंस जाएंगे, दोबारा दोबारा माला छोड़ेंगे भोग लगाना छोड़ेंगे सब कुछ। तो इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए, और अगर भक्ति में प्रयास कर रहे लोगों को लगेगा इसमें क्या लाभ है, लाभ क्या, माला घुमाते हैं जितना भी घुमाया तो क्या आप क्या दिखा सकते, मान लीजिए आप 10 माला किया एक दो ये 10 जितना भी आप किसी को दिखा सकते हैं कि मैंने इतना किया, आप उसका जो लाभ है जप करने का लाभ दिखा सकते किसी,
दिखा नहीं सकते। इसलिए लोग जो भौतिकवादी है, जो अज्ञानी है, वो सोचते हैं कि ये बेकार है, इसमें कोई लाभ नहीं है जॉब करने में, जॉब करते करते समय टाइम वेस्ट हो रहा है, वो लोग ऐसे सोचते हैं, इसे मना करते हैं, क्या लाभ है, उसे उसे अच्छा है कुछ और करना, काम करो उसे। तो इसीलिए ये हमें समझना चाहिए कि जो भक्ति का जो लाभ है वो अविनाशी है और वो दिखाई देगा बाद में। अभी क्या दिखाई दे रहे, कम से कम आना, क्योंकि जब हम भगवान का नाम जप करते हैं हमको ही आनंद आता, बाकी लोग जो नहीं करते उनको आनंद नहीं आ रहा, इसे उनको समझ में नहीं आ रहा ये लोग क्यों करते, हमको ही आनंद आता है। तो ये आनंद प्राप्त करने के लिए खुद भक्ति करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि मैं भक्ति करूंगा आपके लिए। हाँ, हम बता सकते, प्रार्थना कर सकते दूसरे लोगों के लिए, लेकिन अंतिम में सबको अपने आप करना होगा। जैसे उदाहरण के लिए गुलाब जामुन, जानते आप इसको क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन, काला जामुन, लाल मोहन, ऐसे अलग नाम है। तो अगर मैं हम अगर व्यक्ति कभी नहीं खाया है, कभी खाया नहीं, तो अभी हम समझाएंगे, देखो ये जो गुलाब जामुन है बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है, ऐसा है, बहुत बढ़िया है। तो आप बोले हम मानेंगे हाँ अच्छा है, लेकिन जब तक खुद नहीं खाएंगे तब तक आपको कभी समझ में नहीं आया कि किस प्रकार का स्वाद है। तो इसीलिए जब तक लोग भक्ति नहीं करेंगे अपने आप, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार हमें बोध करना है और तब हम दूसरे लोगों को भी बता सकते कि तुम भी भक्ति करो। अगर हम भक्ति नहीं कर रहे और दूसरे लोगों को बता दे भक्ति करना चाहिए, कोई लाभ नहीं होगा, खुद पाप जोड़ना पड़ेगा, तब हम दूसरे लोगों को बता सकते कि आप तुम भी जोड़ रहे गलत है, तब उसमें शक्ति होगी। ठीक है, तो अभी सब लोग परेशान है के वजह से। तो ये जो अनुकूल हम इतना चर्चा करें, अनुकूल प्रतिकूल, पहले अनुकूल स्वीकार करना, प्रतिकूल धीरे धीरे भी छूट जाएगा, अगर जल्दी छोड़ सकते पाप और भी बढ़िया है, जितना जल्दी इतना अच्छा। और विश्वास करना कि भगवान तो बिल्कुल रक्षा करेंगे, रक्षिष्यति इति विश्वास। संसार में हम हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकते, इस संसार में केवल भगवान, और बात जो है वो मार्गदर्शन दे सकते कि कैसे भगवान के आश्रम में जाना है। इसलिए भक्तों का संग इतना अनुकूल है, तो ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान रक्षा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और लगेगा दुख आने वाला है, कोई धार करेंगे। मैं अपना एक उदाहरण बता सकता हूँ, जब मैं अपने आप विदेश में हरे कृष्ण जप शुरू किया घर के अंदर, तो हमारे पिताजी और ये लोग ये सब क्रिश्चियन है, ईसाई, वो दूसरे धर्म है, वो हरे कृष्ण हरे राम बिल्कुल नहीं जानते। तो वो इतना विरोध किया कि मैंने कई बार चुप के मारा किया, कहीं गए वहां ऐसे घर पे काफी जगह है, वहां चुप के कुछ काम करना किया, तो बाद में हाथ धो के वहां बैठ के मारा किया, कोई नहीं देखा। लेकिन एक बार पिताजी आ गए वहां, इतना गुस्सा हुआ है, उन्होंने एक दंड लिया और ऐसे उठाया मुझे मारने के लिए, बहुत बहुत गुस्से में। लेकिन मैं माला बस चलो रखा, हरे कृष्णा हरे, मैं देखा आप देखेंगे क्या होगा, मारेंगे मारेंगे नहीं तो देखते हैं। तो मैंने बस हरे कृष्णा जब किया तो वो ऐसे उठाया और देखा कि मैं कुछ पता नहीं क्या उन्होंने सोचा, बाद में ये दंड ऐसे फेंक दिया और चले गए गुस्से में, लेकिन मारा नहीं। तब मैं देखा, देखिए भगवान ने उनको क्या प्रेरणा दिया अंदर में, तो नहीं करेंगे। और दूसरे अगर मारेंगे भी तब भी समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है, मैंने पाप किया बहुत, तो इसीलिए इसको भोगने के लिए तैयार भी होना चाहिए। तो मारेंगे अच्छा है, मेरा मिथ्या अहंकार थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि भक्ति में जो मिथ्या अहंकार है वो सबसे बड़ा रुकावट है, बाकी कुछ नहीं। मिथ्या अहंकार के वजह से हम सोचते अलग अलग चीज और हम पाप में लग जाते। तो ऐसे अनुभूति है कि भगवान हमेशा रक्षा करेंगे। हम तो प्रहलाद महाराज जैसे नहीं है और हनुमान जैसे,
इतने बड़े भक्त हैं, तो भगवान ऐसे भक्तों की हमेशा रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी सामान्य भी व्यक्ति प्रयास करेंगे, गंभीर गंभीरता से प्रयास करेंगे भगवान की भक्ति करने के लिए, तो जरूर आपका अनुभूति होगा कि भगवान रक्षा कर रहे हैं, हमेशा कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम भी अभी ऐसे विदेश जो अभी भ्रमण करते हैं यहाँ भारत में, तो अभी अभी तो यहाँ बहुत सारे भक्त हमारे साथ हैं, लेकिन कई बार ऐसे हुआ कि मैं अकेले गया बिहार, यूपी, असम, तो सब लोग बोलते बिहार जाओगे वहां तो बहुत धाकू है, वहां मत जाओ, ऐसे बोलते थे मुझे। ये मैं बोला क्या, लोग मुझे बुलाया, सेवा है, अभी जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा कभी अनुभूति नहीं हुआ कि ये लोग कि कोई कुछ परेशान करेंगे। झारखंड में वो लोग हैं नक्सलाइट, जानते हैं नक्सलाइट, वो लोग धाकू जैसे है, तो वो लोग पकड़ते लोगों को, पैसा लेते, मारेंगे भी, कुछ भी करेंगे। लेकिन तभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, झारखंड हम गए, कुछ कभी कुछ नहीं हुआ, कभी देखा नहीं ऐसे लोगों को। बोलते कि गोरखपुर जो रेलवे स्टेशन है उसमें सबसे ज्यादा चोरी है, कितना बार हम गए तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर होगा भी तब भी समझ सोचे भगवान की इच्छा है, भगवान ने दिया भगवान लिया, ये समझना चाहिए। तो देखिए देखिए एक और अनुभूति है, अभी हम कितनी बार नगर कीर्तन के लिए गया, सुबह जल्दी जल्दी सुबह हम जाते हैं क्योंकि धूप जब आता है तब हम बीमार हो जाते, तब बंद करना है कीर्तन, ये अगर बीमार हो जाएंगे तो प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो जितनी बार भी हम गए अभी कुछ दिनों में, तो उसी दिन सुबह बादल, जब तक हम किया कीर्तन पूरा गांव में 3-4 घंटा तब तक बादल है, आपका अनुभूति हुआ बारिश आ रही थोड़ा थोड़ा, और बाद में हम वापस घर पे आए धूप आ गया। ये कैसे हो सकते है? शाम को भी हम सबको बताया कि सुबह क्लास होगा, बाद में मुझे याद आया नहीं कल हम जाएंगे कीर्तन, कल जाएंगे, तो कल ऐसे हुआ बादल आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो हम प्रार्थना भी किया, मैं सोचा भी नहीं कि भगवान आप बादल भेजिए आज, मैं बिल्कुल सोचा धूप होगा फिर भी हम जाएंगे, जाना है चार के लिए, जो भी होगा हम प्रयास करेंगे, फिर भी भगवान ने बादल को भी। तो देखिए ये प्रैक्टिकल अनुभूति है कि भगवान नहीं छोड़ेंगे भक्तों की प्रयास, अगर धूप भी होगा कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा, ऐसे होना चाहिए। तो आपको मतलब इस जब हम देखते कि भगवान किस प्रकार, यूजली ऐसा है मोह माया में जब है हम है तो हम सोचते कि भगवान तो बहुत दूर है, हम मानते भी भगवान को फिर भी दूर लगता है, देखते भी नहीं सीधा साक्षात। लेकिन जब हम भक्ति अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं तो तब भगवान जब आप हमारे जीवन में ऐसे कुछ कर देते हैं जो जिससे हम समझ पाते कि भगवान है वास्तव में, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, भगवान मदद कर रहे, तब उससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। इतना बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा आदमी है समाज में, हम उनके पास नहीं जा सकते, वो हमसे बात नहीं करेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर के पास जा सकते हैं सीधा, नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं, हम मिल सकते, लेकिन बहुत बहुत कष्ट होगा, बहुत बहुत कुछ करना होगा उनसे मिलने के लिए, ऐसा नहीं मिल सकते। अब सोचे भगवान सारे ब्रह्मांडों के ईश्वर स्वामी नियंता, सारे देवों तो के स्वामी, हम सोचे ये तो कब उनसे मिलना, कैसे कैसे कि वो हमारा बात सुनेंगे, कैसे संभव नहीं है। लेकिन कोई भी व्यक्ति दिल से जाप करेंगे और प्रार्थना करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इसी भाव में कि भगवान आप मुझे उधार दीजिए, आप मुझे सेवा का मौका दीजिए, विशेष अगर आप प्रार्थना करेंगे जप करने का समय, आप मुझे सेवा का मौका दीजिए, तो निश्चय आप देखेंगे किसी को बोलना कुछ नहीं, बस अंदर में प्रार्थना करना, तो बाद में आप देखेंगे कि कैसे भगवान सेवा का मौका देंगे। आप खुद ये अभ्यास कर सकते, ट्राई कर सकते।
आप देखेंगे कि भगवान आप इतना सेवा देंगे कि आप पूरी नहीं कर पाएंगे, सब कुछ पूर्ण नहीं कर पाएंगे, और इतना आनंद आएगा सेवा करने से कि आपको समझ में आएगा कि ये केवल भगवान ही हो सकता। तो इसे अभ्यास करना चाहिए, ये हमारा मुख्य ये है विचार कि आपको भक्ति में लगना चाहिए, करना है तो तब संतुष्टि हो सकती है। हरे कृष्ण। किसी का कुछ सवाल है, कौन सवाल पूछे के बाद भक्ति के बारे में कैसे करना है?